चलिए चाची, आज तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। मेरे सुपरमैन्स को देखकर शायद मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती। माँ। अरे मनन भाई आइए ना, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आइए आइए, मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये है हमारी संजना भाभी, उनको भी जानता हूँ, वो निहारिका है ना। मैं जानता हूँ, आइए ना। हाँ तो हम कह रहे थे संजना, अंतरा और निहारिका, तुम तीनों के पास कुकिंग कंपटीशन के लिए सिर्फ एक घंटा है। हाय राम, एक घंटे से याद आया, सिंदूरा भाभी टाइम क्या हुआ है? 1:35। लो, हमारे ग्रह तो सीधे हो गए, हम भी सीधे हो जाते हैं। तो तुम लोगों के पास एक घंटा है, ठीक है? अच्छा बेटा निहारिका, तुम क्या बनाओगी? थैंक्स आंटी, बट मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले सकती। क्योंकि आंटी मैंने काफी टाइम से कुकिंग नहीं की, मैं अभी भी कुकिंग नहीं करती हूँ एंड शादी के बाद भी नहीं करूँगी। एंड आई थिंक आंटी ये कॉम्पिटिशन से ना एक दूसरे में जेलिसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एंड आई डोंट वांट ना कि हम तीनों में ऐसा कुछ हो। हे शिव जी, काश इसी बात पर ये कॉम्पिटिशन कैंसिल हो जाए। आई होप मेरे ना कहने से आपको बुरा नहीं लगा होगा आंटी, आई मीन मॉम। No, not at all, निहारिका, not at all. In fact, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। Actually, मैं भी नहीं चाहती कि तुम तीनों में कभी कोई जेलसी हो और कभी ऐसा मौका पड़े कि मुझे किसी एक का साइड लेना पड़े। ये मासा की इच्छा है तो कुकिंग कॉम्पिटिशन में तुम्हें हिस्सा तो लेना ही चाहिए, मेरा मतलब तुम्हारा फर्ज है। नूपुर, तुम समझ नहीं रही, निहारिका ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है कि जहाँ उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहते हैं, तो उसे खाना बनाने की क्या जरूरत है? नहीं मॉम, मुझे लगता है कि घर में डोमेस्टिक हेल्प होने के बावजूद भी हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। और रही बात इस कंपटीशन की, तो कंपटीशन में कौन हारता है कौन जीतता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंपटीशन दादी सा की खुशी के लिए रखा गया और मुझे लगता है निहारिका की दादी की खुशी के लिए तुम्हें एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। पति, दादी सा को खुश करने के लिए खाना ही क्यों बनाना है? मैं उन्हें कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी तो दे सकती हूँ, या फिर मैं उन्हें किसी होटल में ले जाकर डिनर करवा सकती हूँ, राइट? कितना डिफरेंस है निहारिका और सुमन की सोच में। निहारिका अपने पैसों से दादी सा को खुश करना चाहती और सुमन अपनी मेहनत से, जबकि उसका तो इस घर से कोई रिश्ता भी नहीं। ऑनेस्टली ये सोच तो इस घर की बहू की होनी चाहिए, बट निहारिका तो दूर दूर तक ऐसी नहीं। कहीं निहारिका से शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लाऊं। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।